तीन एरो मॉडल्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा साइज मैंने बना लिया धीरे धीरे। वो मेरे तीनों के तीनों एरो मॉडल हैं, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। जो स्कूलों के, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको फ्लाइंग थ्योरी के बारे में बताता हूँ, उनकी मैं क्लासेस लेता हूँ। कुछ मेरा डिफेंस के साथ अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ा, उनको टारगेटिंग के लिए मैं अभी उनको कुछ फाइटर्स के मॉडल मैंने जो बना के दिए हैं। जो काम हो रहे हैं इंडिया में, कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो बात अलग है। अभी इंडिया में ये बहुत नई चीज़ है। आज हमने इनको IBR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया है। सबसे पहले सभी जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम यादविंदर सिंह खोखर, खोखर फार्म सरिये वाला, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से हूँ मैं। और पिछले कोई 14-15 साल से मैं एरो मॉडलिंग एज ए हॉबी कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ए गेम मैंने ये हॉबी शुरू किया खुद के लिए, और अभी धीरे धीरे ये कमर्शियल में मेरी ये कन्वर्ट होती जा रही है। ये हॉबी के चलते चलते मेरे जो तीन एरो मॉडल्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा साइज मैंने बना लिया धीरे धीरे, और वो मेरे तीनों के तीनों एरो मॉडल हैं वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास आ चुके हैं। और उनमें तीनों में से एक जो सबसे बड़ा मैंने जो कार्गो प्लेन को कॉपी करके बनाया है, एंटोनोव 225, तो वो मेरा एंटोनोव 225 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो आ ही चुका है, और वो आगे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी वो रिकमेंड हो गया है। मतलब कि एशिया लेवल तक हमारा वो रिकॉर्ड है वो चला गया है। तो ये जो हॉबी है, ये हॉबी के साथ साथ मैं थोड़ा जो स्कूलों के, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनको फ्लाइंग थ्योरी के बारे में बताता हूँ, उनकी मैं क्लासेस लेता हूँ। जो यूनिवर्सिटी वाले मुझे इनवाइट करते हैं मैं वहाँ पर जाता हूँ अपना प्रोजेक्ट लेकर के, तो उसमें बच्चों को जो बेसिक फ्लाइंग थ्योरीज है वो बताता हूँ। कुछ मेरा डिफेंस के साथ अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ा, उनको टारगेटिंग के लिए मैं, और उनकी लेइंग पर्पज़ बोलते हैं, लेइंग मतलब वो ऐसे जहाज़ को उड़ाते हैं और उसको ट्रैक करते हैं रडार के साथ, उसके लिए भी थोड़ा मैं उनके साथ प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ। अभी उनको कुछ फाइटर्स के मॉडल मैंने जो बना के दिए हैं एक दो, और अगर वो फ्यूचर में मेरे मॉडल्स वो पास हो जाते हैं तो फिर उसकी बड़ी प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन में, लाइन प्रोडक्शन में उनको मैं लेके जाऊंगा। ये जो एरो मॉडल और एरो मॉडलिंग की हॉबी है, बेसिकली जो एरो मॉडल उड़ता है और एक्चुअल जो जहाज़ उड़ता है उसके जो प्रिंसिपल है उड़ने के वो सेम है, उसके कंट्रोल्स सेम होते हैं। मान लो एक बच्चा पायलट बनना चाहता है तो उसको बेसिक्स हम यहीं क्लियर करवा देते हैं कि एक्चुअल में जहाज़ जो कैसे उड़ता है, उसके न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई होता है, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, लेफ़्ट राइट टर्न उसकी कैसे आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 90% उसके कंसेप्ट बच्चे के हम ये जहाज़ को उड़ा करके दिखा के क्लियर कर देते हैं। और बाद में जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स कैसे चलती हैं, सर्वोज कैसे चलती हैं, वो जो आजकल स्टडी आ गई है मैकेट्रॉनिक्स की, मैकेट्रॉनिक्स की स्टडी में ये जो दो स्टडी कम्बाइंड हो गई है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है कि रोबोट्स कैसे काम करते हैं, रोबोट करंट से सिग्नल लेता है और आगे उसका मैकेनिकल आर्म उसकी कैसे काम करती है। और जैसे आपने बोला कि डिफेंस का, डिफेंस के लिए अभी मेरी बहुत कि शुरुआत है, पहला मेरा स्टेप है, और उसके लिए मैंने 2-3 मॉडल्स उनको बना के दिए हैं, और अगर मेरे वो मॉडल्स पास हो जाते हैं तो फ्यूचर में उनके लिए मैं हो सकता कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके और DGCA के साथ टाई अप करके अपने और मॉडल्स उनके साथ मैं वो उनसे वो करवाऊँगा, मैं परवान करवाऊँगा, मेरे मॉडल्स को वो रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ एक बड़ी और फैक्ट्री का रूप बन सकता है। अभी इंडिया में ये बहुत नई चीज़ है, मतलब और जो काम हो रहे हैं इंडिया में, कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो बात अलग है, बट ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। इसमें जो यंग जनरेशन है, जो इंजीनियर्स हैं, जो डिज़ाइनर इंजीनियर्स हैं, जो प्रोपल्शन इंजीनियर्स हैं, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बड़ी हो सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट यहाँ पर बड़ा कोई जहाज़ बनाने का कोई प्रोजेक्ट लगा देती है, कोई जहाज़ के पार्ट्स बनाने का प्रोजेक्ट लगा देती है, तो उनको ये जॉब मिलने की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका मिल सकता है। आज हमने इनको IBR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया है, इनको सम्मानित किया है। एंटोनोव 225 के लिए आज इनको सम्मानित किया गया, जो लार्जेस्ट हैंडमेड है, जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट हैंडमेड रेप्लिका। सर, इनके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे फिर हमारी पूरी टीम इन्हें वेरीफाई करती है, देन जब ये उसमें पास होते हैं उसके बाद इनका जो नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है।